आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा से देखिए, है ना। बहुत दिन के बाद हम YouTube पर वीडियो डालेंगे, है ना, वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ कारण बस आप लोग को तो पता ही है, है ना। लेकिन जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा समझिए, अगर अब की बार मैथ में 90 पार लाना चाहते हैं, मैथ में 90 पार लाना चाहते हैं, तो जैसे हम बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, राइट ना। तबीयत वबीयत जिसका खराब उराब है वो सब थोड़ा सा, है ना, अपने तबीयत को सुधार करे, अच्छा से खाने पीने पर केयर करे, है ना। आप लोग को कहाँ तक पढ़ा रहे थे? 22.8 पढ़ाना है ना भाई। देखिए एक्सरसाइज 21.8 पहला मैथ, डी बाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस बाई प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या आप लोग बता सकते हैं आज तक इतना दिन से पढ़ रहे हैं हम एका मैथ में रुके हैं? ये जन्म में तो दूर की बात है, अब अगला जन्म को पता नहीं। एक भी मैथ में रुकेंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम, बिना कॉपी बिना किताब उताब देखे हुए। सही बोले ना, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, मतलब उसके बाद जनरल का मैथ हो गया, एडवांस मैथ हो गया, हमसे बेहतर कौन जानता है? कोई भी नहीं। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा जब बताते हैं तब पता चलता है, राइट ना। अच्छा आज तक बताइए कोई ऐसा मैथ है जिसमें हम रुके हैं? नहीं ना। हाँ कुछ कारण बस अगर नहीं पढ़ाते हैं तो कुछ वैसा रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जिससे आप लोग को भलीभांति पता ही है, है ना। देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस वन का क्या है, होल स्क्वायर। ऐसे हालत में सेपरेशन नहीं कर सकते, एक्स एक तरफ नहीं कर सकते, वाई एक तरफ नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में 21.8 में जब इस ढंग का सिचुएशन हो तो टी बराबर मानना चाहिए एक्स प्लस वाई, ये वाला माइनस रहेगा तो माइनस मानना, राइट ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, डी टी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स माइनस वन बराबर डी बाई बटा डी एक्स। तो डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू डी टी बटा डी एक्स माइनस वन बराबर एक्स प्लस बाई का वैल्यू टी, तो टी प्लस वन का क्या हो गया, होल स्क्वायर। डी टी बटा डी एक्स टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, वन बटा टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन पर स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी प्लस वन बाई वन, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लास्ट में प्लस, तो टेन इनवर्स टी का वैल्यू एक्स प्लस बाई प्लस वन बाई वन बराबर एक्स प्लस कितना हो जाएगा? किसी को प्रॉब्लम कहीं भी, मतलब इसमें क्या मानना है, एक्स बराबर टी बराबर मानना है एक्स प्लस बाई या एक्स माइनस बाई दिया हुआ रहेगा तो एक्स माइनस बाई, जो भी कंबाइंड में दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई बटा डी एक्स एक्स माइनस बाई प्लस 3 बटा 2 इंटू एक्स माइनस बाई प्लस 5 टी बराबर एक्स माइनस बाई डी टी बटा डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बटा, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा वन माइनस डी टी बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर वन माइनस डी टी बटा डी एक्स, वन माइनस डी टी बटा डी एक्स, एक्स माइनस बाई बराबर टी, टी प्लस 3 बटा 2 टी प्लस 5, वन माइनस टी प्लस 3 बटा 2 टी प्लस 5 और डी टी बटा कितना हो जाएगा, डी एक्स।
2t प्लस फाइव माइनस टी माइनस थ्री बराबर डी टी बटा डी एक्स। 2t में t चल जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, बटा 2t प्लस फाइव डी टी बटा डी एक्स हो गया है। अब डी एक्स बराबर 2t प्लस फाइव बाई टी प्लस टू डी टी हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन x। अच्छा बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। 2t प्लस फोर प्लस वन डिवाइड बाई टी प्लस टू और डी टी, टू कॉमन टी प्लस टू बाई टी प्लस टू प्लस वन बाई टी प्लस टू। अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे ना, ये कट जाएगा टू टू टी, तो कल जो आईएएस आए थे आप लोग देखने के लिए गए थे। अच्छा ये बताइए, आप देखने के लिए जाते आप लोग क्या सीखते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो वहां वाले बच्चे जो है ना, मेरा मतलब कहने का मतलब होता है जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए दिन और रात कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ वाले बच्चे बोल रहे 10-12 घंटा पढ़ो तो सब हंसता है, और वहां के करीब लगभग में 10 से 12 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम तो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी खाली कहने से नहीं होता है। दिमाग में कूड़ा भर ले रहिएगा और यूपीएससी क्रैक कीजिएगा, इतना आसानी है। कहना आसानी है, करना परेशानी है, और परेशानी का एक ही सोल्यूशन है मेहनत। मेहनत इस प्रकार से करिए कि सफलता क्या करेगा, शोर मचाएगा, शोर मचाएगा। जो आपको अभी ब्लॉक कर रहा है, फेसबुक पर हो गया, व्हाट्सएप पर हो गया, आप ऐसा काम करिए कि एक दिन उसको सर्च करना पड़े गूगल में। सही बोले ना, ऐसा मेहनत करिए, ऐसा बनिए कि उसको एक दिन सर्च करना पड़े गूगल में। कि नहीं अभी देखो, जैसे कि अभी जो शुभम जो है, शुभम बाबू, शुभम जी जो भी बोलिए, अभी उसको सर्च करता है गूगल पर आईएएस टॉपर बिहार के, है ना, प्रवीण कुमार सब। लेकिन उससे कुछ नहीं होता। आप यूपीएससी का तैयारी करिएगा, इंटरमीडिएट का कोई भी तैयारी करिए, लेकिन मन से कीजिए। कोई भी काम अगर मन से किया जाए तो वो काम काम नहीं होता, वो आराम लगने लगता है। अब कहिएगा यूपीएससी, सब बच्चे पूछते हैं क्या चीज यूपीएससी क्रैक करेंगे। अरे यूपीएस खास करके लड़की लोग, लेकिन पढ़ना लिखना तो साढ़े बाईस लास्ट में की मिलता है, पता है ना आपको, जीपीएससी नहीं, घर पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरा बात को, यूपीएससी। अरे यूपीएससी का मतलब समझते हैं, खाली कहना आसानी है, मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट कंपटीशन वही। मतलब अगर आप लोग को पता है, अंग्रेज जब छोड़ के गया है ना मेरा देश, तो दो ही चीज दे के गया है, यूपीएससी और एक आईआईटी। मतलब जिससे, मतलब इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के बच्चों में विकास हो। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, कहिएगा कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जनरल, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, एयरफोर्स, और 5 घंटा ऑनलाइन रहिएगा मोबाइल में। की पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, कुछ भी नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा, और जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक आपका नाम नहीं होगा। हाँ अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वही बच्चा आईआईटी या वही बच्चा यूपीएससी निकाल सकता है, आईएएस निकाल सकता है, कि जो बच्चा शुरू से तेज हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उस कंपटीशन के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग, जैसे हम एनडीए का एग्जाम देने के लिए गए थे, है ना, तो मतलब एनडीए का एग्जाम देने के लिए तो दोनों बार निकाल लेकर इंटरव्यू में भगा दिया, छाट दिया। सीडीएस का एग्जाम देने, वो भी यूपीएससी के अंतर्गत आता है, तो भी अति कर दिया, मतलब कि वो भी अति में इंटरव्यू में आपको जो है ना सिलेक्शन से हटा दिया। तो अलग अलग मैटर पर होता है, लेकिन कभी भी हारना नहीं चाहिए इंसान को, उस पर लगे हुए रहना चाहिए। लेकिन आजकल के कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि पढ़ना स्टूडेंट के लिए बस की बात नहीं है,
लेकिन नहीं पढ़ना भी स्टूडेंट के लिए बस की बात है, तो इसलिए पढ़ने पर ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग फोर नंबर मैथ को देखिए, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, क्या तुम बेटा ऐसे ही करता है ना, ऐसे ही करते रहता है, कहता है कि हम निकालेंगे जेई मेन सरी यूपीएससी, गौरव देखो कुमार गौरव ही बनेंगे, कुमार गौरव से मिलाइए सर, अब मिलाए यूट्यूब पर देखो उसका इंटरव्यू लिए, एक एकदम लो परिवार का लड़का, एकदम लो परिवार का लड़का जब वो कंपटीशन निकाल सकता है तो बताइए आप लोग क्या उसके पीछे पीछे जाने सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं। तो ये आप गलत कहते हैं कि मतलब बनता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज मतलब चापलूसी नहीं चलेगा, और ये समझ से बचिए। अच्छा बेटा t बराबर x प्लस y, सपना रखिएगा कि यूपीएससी, अब बीपीएससी भी नहीं निकलेगा ऐसा, 56 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में बाबू, 50 और 6 56 अप्रॉक्स, और आती है उसके बाद जो हो गया करेंट अफेयर तो अलग ही हो गया, 56 सब्जेक्ट, पीटी अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू अलग, तीन तीन को क्वालिफाइड कीजिए तब आप एक डीएम, डीएम नहीं बनिएगा आप, समझ जाइए एक आईएएस ऑफिस है, डी टी बटा डी एक्स वन प्लस डी वाई बटा, देखिए नहीं नहीं स्टार बनेगा, अरे भोजपुरी का मग ही का स्टार बनेगा तो बुद्धू हो गया, अरे डी टी बटा डी एक्स कहीं बेटा वेलकम बोला तू नहीं कह रहा है, तो डी टी बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस वन, वन बटा टी स्क्वायर प्लस वन डी टी बराबर कितना, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी, टी का वैल्यू एक्स प्लस वाई, टी बराबर एक्स माइनस टू बाई डी टी बटा डी एक्स वन माइनस टू डी बाई बटा डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू बाई बराबर टी वन माइनस टू डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर टी डी टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स वन बाई कॉस बराबर सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन टी और लास्ट में प्लस कितना सी, एट नंबर डी बाई बटा डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस बाई, और t बराबर देखिए क्या मानना है x प्लस डी टी बटा डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई बटा डी टी बटा डी एक्स माइनस वन बराबर डी बाई बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स माइनस वन बराबर टेन टी, तो डी टी बटा डी एक्स बराबर टेन टी प्लस वन, वन बटा वन प्लस टेन टी डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स, अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए लिखिए आप लोग अच्छा से लिखिए, अगर मैथ में अगर नंबर लाना चाहते हैं 90 पार तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए स्टार जैसा।